तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एरर, इट अपीयर्स योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड फॉर रीजन अनरिलेटेड टू दिस सपोर्ट चैनल, यू मे बी एबल टू फाइंड मोर रिसोर्सेज इन द हेल्प सेंटर। तो आप सभी लोग को भी भाई इस टाइप का लिखा हुआ आ रहा होगा। तो भाई ये कब आता है, जब आप मान लो भाई आप इंस्टाग्राम पे आपको जो अकाउंट है भाई वो इंस्टाग्राम ने डिसेबल कर दिया। अब भाई वो भले आपकी गलती हो या भाई इंस्टाग्राम की गलती हो, गलती किसी की भी हो सकती है। अब अकाउंट तो आपका डिसेबल हो चुका, अब आप क्या करोगे, अब आप भाई अपने अकाउंट को भाई वापस लाने के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हो। फिर आपने जब पूरी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया, अब आप जब सेंड पे क्लिक कर रहे हो तो आपको इस टाइप का एरर लिखा हुआ आ रहा है। तो एरर में भाई ये कहना चाह रही है, जो एरर वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए जो भाई सपोर्ट चैनल जो ये पेज है ना, ये भाई बता रहा है कि ये जो आपका अकाउंट है जिस रीज़न से डिसेबल हुआ है वो भाई सपोर्ट चैनल से रिलेटेड नहीं है। मतलब भाई ये जो आप अपना भाई सेंड कर रहे हो ना, ये सब अपना फिल करके बता रहे हो ना, तो भाई वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो भाई सीधी बताऊँ, मतलब आपको जो अकाउंट डिसेबल हुआ ना वो कुछ इस डिसेबल हुआ, जैसे आपने उल्टी सीधी भाई फोटो को अपलोड किया, वो सेक्सुअल चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें को डाला है, तो इस वजह से अगर आपका अकाउंट डिलीट हुआ है, तो अगर आप भाई यहाँ पे अपने फॉर्म को फिल विल वगैरह करने की कोशिश करोगे, दोबारा से अकाउंट को वापस लाना चाहोगे ना, तो आपको अकाउंट तो बिल्कुल ही वापस नहीं मिलने वाला। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अकाउंट ऐसे वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो अकाउंट है ना वो एक बहुत ही बड़ी रीज़न की वजह से हो रहा है। अब जान लो पहले कि भाई किस किस रीज़न से आपका अकाउंट उठता है। अगर आप उल्टी सीधी फोटो को अपलोड करते हो, स्टोरी भी डालते हो, किसी को शेयर करते हो, कुछ भी करते हो, ऐसा कुछ काम करोगे तो अकाउंट उड़ सकता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करोगे फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए, तो भी आपको जो अकाउंट है उड़ा दिया जा सकता है। अगर मान लो आप उल्टा सीधा कुछ वीडियो अपलोड कर रहे हो जिससे भाई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो बच्चे उन्हें उल्टा सीधा सीखने को मिला, उन्हें गलत सीखने को मिल रहा है, वो भाई घर में ट्राई करें तो उन्हें भाई चोट लग सकती है, या फिर वो गलत सीखेंगे, उस वजह से हो सकता है। उस वजह से क्यों होगा, लोग आपको रिपोर्ट करेंगे। अब ज़्यादा रिपोर्ट होने के चक्कर में इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को भाई रिव्यू करेगा, उससे भाई ये सब चीज़ें देखेंगी, तो भाई इस चक्कर में आपका अकाउंट उड़ा देगा। क्योंकि भाई इतने सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई फालतू में नहीं कर रहे हैं, कोई रीज़न होगा जिस वजह से इतने सारे लोग रिपोर्ट आपको कर रहे हैं। तो भाई यही कुछ रीज़न्स है, और भी बहुत सारे रीज़न्स है जिस वजह से आपको जो अकाउंट है वो भाई डिसेबल कर दिया जाता है। अकाउंट डिसेबल हुआ तो आपको ये भी एक और स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, आपको एक और स्क्रीनशॉट भी दिख ही रहा होगा, यहाँ पे भाई एरर सेम ही आ रहा है। तो देखो भाई ये फॉर्म कैसा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइप का फॉर्म रहता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये हेल्प सेंटर वाला। अब इस वाले मैं फिल कर रहा हूँ, तो भाई आपको वो प्रॉब्लम तो आनी है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई देखो दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आपको ये कोई भी ये भी दिख रही होगी, यू कैन नॉट यूज दिस फीचर एट द मोमेंट, आपको इस टाइप भी दिख रही है। तो ये वाली इसलिए दिख रही है क्योंकि आप ना भाई ये जो रिपोर्ट सेंड कर रहे हो ना बहुत बार कर चुके, अगर आप बार बार करोगे तो आपको इस टाइप का भी दिखेगा। अब भाई ये सब हो गया, अब एक चीज़ बताओ ना, तो भाई अकाउंट डिसेबल हो चुका है ना, तो भाई सिर्फ अभी 10% चांस ही भाई कि अकाउंट वापस आए, भाई बहुत ही कम चांस में रहता है कि आपका अकाउंट वापस आए। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, इंस्टाग्राम के द्वारा गलती से डिलीट हुआ है ना, तो इंस्टाग्राम भाई ज़्यादातर केसेस में ऑटोमेटिकली भाई रिस्टोर कर देता है। आप ना भाई जिस ईमेल से आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करा ना, उसे आप चेक करके रहा करो। जब वो डीएक्टिवेट करता है ना, तो आपको एक ईमेल भी सेंड करता है, उसमें बताता है कि अगर आपको लग रहा है आपने कोई गलती करी है तो इस फॉर्म को फिल कर दो, तो वो आपको इसी फॉर्म को फिल करने का बोलेगा। पर इस फॉर्म को फिल करते समय तो आपको प्रॉब्लम आ रही है। देखो भाई अब देखो भाई कुछ बचा तो है नहीं, मेरा मानना तो ये, मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई फालतू में परेशान मत हो, न्यू अकाउंट क्रिएट करो, शुरू से सेफ खेलना भाई, उल्टा सीधा कुछ भी मत करना, गाइडलाइंस को रीड करना इंस्टाग्राम की, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस को क्रिएट करा हुआ है कि इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस में क्या क्या आता है, उन सबको रीड कर लेना। उसके बाद भाई नया अकाउंट बनाने का ही कहूँगा, क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं, आप एक इस पुराने अकाउंट चला गया ना, तो भाई बहुत ही कम चांस है कि वापस आए। आप कुछ नहीं भाई वीडियोज़ को देखोगे परेशान होगे, फिर भी भाई एक तरीका और है वो बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पहले आपको लिख लेना इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड, और ये पहली वेबसाइट है इस पर क्लिक कर दो। अब जब फॉर्म फिल नहीं हो रहा तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बता रहे कि ये हेल्पफुल है फिर नहीं है, तो भाई अपन को तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं लगा तो अपन नो करेंगे। पर यहाँ पे दिखा रहा है भाई, यहाँ पे इतने सारे चार ऑप्शन मिल रहे हैं, पर आपको क्या करना है, द सॉल्यूशन डज नॉट वर्क, क्योंकि भाई अपना सॉल्यूशन वर्क नहीं करा, अपन को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, तो अपन सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे कि भाई अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, कैन यू से मोर, मतलब कि आप भाई फीडबैक कुछ देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को यहाँ पे भी दे सकते हो। अब जैसे कि भाई यहाँ पे और टाइप करने का आ रहा है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर भी दिया, दिखा दिए भाई यहाँ पे यूज़र नेम फुल ईमेल मैंने सब कुछ लिख दिया, तो ये एक जगह होगा यहाँ पे मैं भाई बता सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम को। पर अगर आप ना भाई कैन यू सेम और में आप अगर ढंग से रीड करोगे ना, लिखा हुआ आएगा बियर इन माइंड डेट दिस फॉर्म इज़ फॉर फीडबैक ओनली, यू वुड नॉट रिसीव अ रिप्लाई। मतलब कि मान लो आपने सब फिल कर दिए ना, तो उसमें खुद ही बोल रहा है कि भाई फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं, इसे आपका फीडबैक है, तो भाई कोई भरोसा नहीं है कि आपको कोई रिप्लाई मिले। आपको भरोसा क्या मिलेगा ही नहीं रिप्लाई, सामने खुद ही मना कर दिया। तो मैं आपको बताऊं तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं, पर खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसे भर सकते हो भाई। तो सबमिट कर दिया अपन ने,
बता रहा भाई आपको जो फीडबैक है वो सबमिट हो चुका है, पर आप बोलोगे भाई इससे इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भाई क्या बताऊँ। तो भाई इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ आपको, इसके अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है भाई, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर आप हेल्प सेंटर पे सर्च करोगे तो आपको बस यही वाला एक फॉर्म मिलेगा जो आपके अकाउंट को डिसेबल होने से रिलेटेड है, और इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्म नहीं मिलेगा। और भाई बता दूँ अकाउंट उड़ गया ना तो भाई वापस आना बहुत ही मुश्किल है। फिर से यही कहूँगा न्यू अकाउंट बनाओ, दोबारा से मेहनत करो शुरू से ही भाई, कोई गलती मत करना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस अच्छे से वर्क करते रहना भाई, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले कर दी ना तो अब बस ये गलती दोबारा मत करना। और भाई फालतू में और वीडियोस देखने का मतलब नहीं है, आप देखोगे लोग इसी का बताएंगे, पर कोई ये नहीं बताएगा कि भाई कोई रिप्लाई मिलेगा ही नहीं तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कहूँगा कि भाई आपको मैं ये बोलना चाहता था कि भाई देखो जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अपने पास तो आप ना भाई एक बार ट्राई कर लेना फॉर्म को 3-4 दिन के गैप में, क्योंकि भाई हो सकता है क्या पता कोई सर्वर प्रॉब्लम हो या फिर आपने बार बार फिल कर दिया इस चक्कर में प्रॉब्लम आ रही हो। 3-4 दिन वेट करके एक बार फिर से ट्राई कर लेना, नहीं हो तो छोड़ना भाई, न्यू अकाउंट बनाना, दोबारा से मेहनत करना भाई, क्या पता पुराने से डबल इस पर आ जाए भाई। ऐसा नहीं भाई, भाई आपको सिर्फ अकाउंट जोड़ा भाई, आप तो सामने खड़े हो ना, आपके पास एक्सपीरियंस तो है ना भाई, उतने फॉलोवर आप इकट्ठे कर सकते हो ना, तो भाई जब उस अकाउंट पे कर लिए तो दोबारा नए अकाउंट पे क्यों नहीं कर पाओगे, इजीली कर सकते हो। तो भाई कर लो भाई, न्यू अकाउंट क्रिएट करो, मेहनत करो, सब पहले ऐसा हो जाएगा। तो भाई को इंस्टाग्राम से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी पूछना है जानना है तो आप एक कमेंट करके पूछ सकते हो, वरना फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, आपको मेरी प्रोफाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी। सो आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको उस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।